हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अगर आपके पास में इसके आंसर्स हैं और आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है तो आप इन क्वेश्चंस के बाद में ही वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको सारे क्वेश्चंस को 1 by 1 देखना है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, व्हाट इज़ द ASCII एंड व्हाट रोल डज इट परफॉर्म। जो ASCII है ये क्या है और क्या इसका रोल होता है ये आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट एंड कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स। जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स होती हैं और जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये चीज़ आपको बतानी है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर ब्लॉग्स, आपको ब्लॉग्स क्या होते हैं इसको एक्सप्लेन करना है, प्लस हाउ डज ब्लॉगिंग वर्क, और जो ब्लॉगिंग है वो कैसे वर्क करती है। तो एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 पार्ट्स पूछे गए हैं। फर्स्ट है व्हाट आर ब्लॉग्स एंड सेकंड वन इज़ हाउ डज ब्लॉगिंग वर्क। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मीडिया, डिस्कस द इम्पैक्ट दे हैव ऑन आर लाइफ्स। तो डिफरेंट टाइप के जो मास मीडियाज होते हैं कौन कौन से हैं वो बताने हैं, और उसका हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये चीज़ आपको बतानी है। ये आपके पास में टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से अभी हम करते हैं इसका पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ASCII एंड व्हाट रोल डज इट परफॉर्म। तो ASCII क्या है पहले इसको देखिए। इंट्रोडक्शन में आपको इसको लेना है और ये एकदम स्टैटिक पोर्शन है, आपको इतना लर्न करके डेफिनेटली लिखना ही लिखना है। तो ASCII जो है इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, A स्टैंड्स फॉर एडवर्टाइजिंग, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर काउंसिल एंड I फॉर इंडिया। तो ASCII क्या है टोटल, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये एक सेल्फ रेगुलेटरी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वॉज स्टैब्लिश इन 1985 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एडवर्टाइजमेंट के पर्पस से लिए। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, कोई भी ब्रांड है उसका प्रमोशन करवाया जा रहा है, कोई भी चीज़ है आपको उसको एडवर्टाइज कराना है ताकि मैक्स टू मैक्स लोगों तक वो चीज़ पहुँचे। तो ये चीज़ आपका एडवर्टाइजमेंट में आता है। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें ये इसको जो स्टैब्लिश करवाया गया था, तो ये कब स्टैब्लिश हुई थी आपके, आपको ये चीज़ लिखनी है यहाँ पे। तो इसको स्टैब्लिश करवाया, ये स्टैब्लिश हुई थी 1985 में एंड रजिस्टर्स एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर द सेक्शन ऑफ 25 ऑफ कंपनी एक्ट। तो ये इसका स्टैटिक पोर्शन है ASCII का। मेन चीज़ जो है वो इसमें एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो ASCII है ना, इसके बारे में और पॉइंट्स यहाँ पे क्या लिखे हैं, एम्स टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। तो ये बेसिकली किस चीज़ के ऊपर वर्क करती है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। द बॉडी प्रमोट्स हेल्थी एडवर्टाइजिंग एंड ट्राइज टू अपहोल्ड एंड एनहेंस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द एडवर्टाइजमेंट। देखिए होता क्या है, कुछ लोग ना बहुत ही फेक एडवर्टाइजमेंट देते हैं जो कि जिसका कोई सपोर्ट नहीं होता, जो किसी काम की नहीं होती, और जो दिखाते हैं वो एक्चुअल में नहीं होता। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ASCII, इसका ये वर्क होता है कि ये इस चीज़ को जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर का ये, प्लस उनको प्रोटेक्ट करे, तो उनके प्रोटेक्शन राइट्स के ऊपर ये ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्क करती है। ASCII was formed with the support of all 4 sectors connected with the advertising, namely the advertiser, advertising agency, media and the others like PR agencies and market research companies. तो ये जो ASCII है ना, ये basically इन 4 sectors के ऊपर, ये जो 4 sectors हैं advertising के, उनको connect करती है। First है advertiser, second one is advertising agencies जो होती है वो। देखिए advertiser क्या, जो advertise करवाता है, advertising agencies जहाँ पे इसको advertise करवाई जा रही है। मीडिया में क्या क्या आता है, जैसे आपके पास में ब्रॉडकास्टर है, रेडियो है, प्रेस है, तो ये क्या हो गया, मीडिया का एक पार्ट है। और फोर्थ पार्ट है लाइक अदर पीआर एजेंसीज एंड मार्केट रिसर्च कंपनीज। तो ये 4 सेक्टर्स के को कनेक्ट करते हुए ये जो एडवर्टाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्क करती है। इसका जो गोल है वो क्या चीज़ है, इंक्लूड मॉनिटरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड प्रमोटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। ओके, तो ये इन फैक्टर्स के ऊपर वर्क कर दिए। जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स और आपको दे रखे हैं। फर्स्ट तो ये क्या चीज़ मेक श्योर करती है,
इंश्योरिंग ट्रूथफुलनेस एंड द ऑनेस्टी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड क्लेम मेड थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड एट द सेम टाइम सेफ गार्डिंग अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। कई बार जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो बहुत गलत गाइड करती है, उनका जो एक्चुअल में जो मोटिव होता है वो उसमें नहीं दिखाते, दूसरे तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट्स को दिखाते हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत गलत है। तो इसके ऊपर जो कंज्यूमर के राइट्स हैं और जो चीज़ इसमें जो एडवर्टाइजमेंट में दिखा रखा है वही चीज़ एक्चुअल में हो रही है या नहीं हो रही, तो इस चीज़ को इंश्योर करने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन का होता है। सेकेंड पॉइंट कहता है इंश्योरिंग दैट एडवर्टाइजिंग इज नॉट ऑफेंसिव टू जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक डिकेंसी। नेक्स्ट बता रखा है सेफ गार्डिंग अगेंस्ट इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर जनरली रिगार्डेड एज हैजार्डियस सोसाइटीज टू सोसाइटी और द इंडिविजुअल्स और विच आर अनएक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी एज अ होल। अब इसमें इस चीज़ के भी ऊपर वर्क करना होता है कि कोई भी चीज़ का ऐसी किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं होना चाहिए, कैसी किसी ऐसी चीज़ का भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो या फिर लोगों की हेल्थ के लिए वो हार्मफुल हो। लेकिन फिर भी आपने देखा है जो कंपनीज़ होती है ना वो उसको अलग तरीके से सेल करती हैं। एग्जांपल जो स्मोकिंग है ना उसका एडवर्टाइजमेंट आता है, लेकिन स्मोकिंग का एडवर्टाइजमेंट किस में आता है, नेगेटिव सेंस को छुपाने के लिए, मतलब कि जो स्मोकिंग है ना उसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स दिखाए जाते हैं लेकिन फिर भी उसका एडवर्टाइजमेंट तो हो रहा है ना, तो ये चीज़ क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट्स होती है। इसके अलावा जैसे एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जो पान मसाला का एड आता है तो उसको क्या है एज अ माउथ फ्रेशनर लोग बेचना स्टार्ट कर चुके हैं, कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का फेस उस पर लगा दिया जाता है जिससे लोग उसको खरीदें, है तो भले ही हार्मफुल लेकिन फिर भी उसको पॉजिटिव साइड दिखा के उसको उसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। अगर उसकी सिर्फ नेगेटिव साइड दिखा के एडवर्टाइजमेंट किया जाए तो वो चीज़ इलीगल होगी, तो वो ये ऑर्गेनाइजेशन होने नहीं देगा। इसलिए सोसाइटी में बहुत से ऐसे तरीके निकाल लिए गए हैं जिससे कि जो एडवर्टाइजमेंट है ना उसको अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट आता है इंश्योरिंग दैट एडवर्टाइजमेंट्स ऑब्जर्व फेयरनेस इन कॉम्पिटिशन एंड द कैनन्स ऑफ जनरली एक्सेप्टेड कॉम्पिटेटिव बिहेवियर। अब जो एडवर्टाइजमेंट्स होती है ना उसके जो कॉम्पिटिशन है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा, आपको पता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स ना मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो हर एक कंपनी को अपने अपने प्रोडक्ट्स को क्या करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। तो अब इतने सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो अब एक कंपनी मानिए सोप का कोई ऐड करता है, जो नहाने की साबुन होती है उसका कोई एडवर्टाइजमेंट करता है, तो अगर वो अपनी सोप का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ना तो उस कंपनी के पास में ये राइट बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी और दूसरी कंपनी को बुरा बताए या गलत बताए। इसलिए आपने कई बार देखा भी होगा जो शैम्पूज या सोप्स वगैरह की जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें जो दूसरा होता है ना जिससे कंपेयर किया जाता है तो उसका कोई नाम नहीं होता, पर्टिकुलर नाम वाली किसी भी ब्रांड को वो ऐसे नहीं कर सकते या मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चीज़ कंज्यूमर राइट्स के अगेंस्ट में आता है। तो अगर आप किसी को अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हो तो किसी दूसरे के प्रोडक्ट को गलत नहीं बता सकते, ये चीज आपने एडवर्टाइजमेंट्स में देखी होंगी। इसके अलावा इसमें बता रखा है कि जो काउंसिल है ना अर्ज द कंज्यूमर्स टू रिपोर्ट एडवर्टाइजमेंट दैट आर एलिजिबली अनफेयर और मिसलीडिंग इन द नेचर। तो सोसाइटी में एक गलत तरीके का मैसेज स्प्रेड करता है, ऐसी भी एडवर्टाइजमेंट्स को नहीं किया जा सकता। और अगर जो ASCII ये बॉडी अगर ऐसे किसी के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन रिसीव करती है या नोटिफाई किया जाता है एडवर्टाइजर को या मतलब ऐसी टाइप की कोई कंप्लेन प्रोडक्ट के अगेंस्ट आती है कि ये चीज़ इलीगल है, तो उस टाइम पे जो एडवर्टाइजर होता है जो एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं उन्हें नोटिस दिया जाता है 2 हफ्ते या उससे थोड़े कम या ज्यादा टाइम का, जिससे कि वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके, या तो अपने प्रोडक्ट को ठीक कर ले या फिर उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट को बंद कर दिया जाए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर बहुत सी कंप्लेन को भी ऐसे रिस्पॉन्स किया जाता है बिफोर द कंज्यूमर। और इसके बाद में नेक्स्ट आता है इफ़ द ASCII रिसीव्स नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द एडवर्टाइजर देन CCC मे गिव एन एक्सप्रेस डिसीजन एंड इफ द एडवर्टाइजमेंट इज फाउंड टू बी मिसलीडिंग द कंप्लेंट काउंसिल कैन आस्क द एडवर्टाइजर टू मॉडिफाई और इट टू रिमूव इट। तो अगर जैसे कि मानिए कोई जो एडवर्टाइजर है वो अपने जो उसको एड के अगेंस्ट कोई कंप्लेन आती है तो अगर वो उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेता जो कंप्लेन बताई गई, या तो उसको रिमूव कर दे या फिर उसे मॉडिफाई कर में जो नेगेटिव चीज़ है उसको हटा के उसके दूसरा वर्क करे, तो अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो CC ही है कंज्यूमर कंप्लेन काउंसिल, तो ये इसके अगेंस्ट काफ़ी बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं, कुछ उनके अगेंस्ट में भी ले सकते हैं, या फिर जो एडवर्टाइजमेंट है उसको रिमूव भी किया जा सकता है। तो ये आप इसमें आंसर लिखेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन था, इसमें आप कुछ अपने वर्ड्स को इतना ऐड नहीं कर सकते, तो प्लीज़ इस आंसर को एज इट इज़ लर्न करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स एंड कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स।
पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स क्या होती हैं और जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो देखिए, जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स होती हैं, पहले थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ। पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट बेसिकली लोगों के वेलफेयर के लिए होती है। इसका बेसिक मोटो किसी चीज़ को सेल या प्रमोट करना नहीं होता है। वहीं जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो प्रोडक्ट की सेल के लिए होती हैं। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स एंड कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स। तो क्या है ये? देर आर मेनी डिफरेंसेज बिटवीन पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स एंड कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स होती हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को सेल नहीं करती या किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करती हैं और ना किसी सर्विस को प्रमोट करती हैं। ये बेसिकली विच मीन्स दे आर नॉट पेड एडवर्टाइजिंग। तो जो कमर्शियल जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स होती हैं ना, ये बेसिकली पेड एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होती। ये लोगों के वेलफेयर के लिए होती है, लोगों के हित में करी गई, उनके लिए कैसे, लोगों के लिए, नेचर के लिए, सोसाइटी के लिए कैसे यूजफुल हो सकती हैं, तो उसके लिए जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उनको हम पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं ये बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को बाय या परचेज या सेल करने के लिए किया जाता है या कोई सर्विस है उसको यूज़ करने के लिए किया जाता है। और जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स है ये कैसी होती है? पेड एडवर्टाइजिंग होती है। तो अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये ध्यान रखना, जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है ये एक पेड एडवर्टाइजमेंट होती है, सॉरी ये एक पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, और वहीं जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है ना वो एक पेड एडवर्टाइजमेंट होती है। इसके बाद में कुछ और आपको पॉइंट्स दे रखे हैं जो डिफरेंसेस बता सकते हैं पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स के और जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है उसके। तो देखिए, पहले पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट का दिखाती हूँ। अनाउंसमेंट्स और PSA आर डिज़ाइन टू एजुकेट। जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स होती हैं, एज आई सेड कि ये लोगों के हित के लिए होती है, उनके वेलफेयर के लिए होती है। तो इनका जो मेन मोटो होता है वो क्या होता है? इज़ टू डिज़ाइन टू एजुकेट, लोगों को पढ़ाना या इन्फॉर्म करना या फिर जो अवेयरनेस है उसको स्प्रेड करना, रेज करना अबाउट द इश्यूज दैट अफेक्ट द वाइड रेंज ऑफ पीपल इन आर कम्युनिटीज, जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हमारी कम्युनिटी है ना उसमें बहुत सारे लोगों पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो ऐसे इश्यूज को, सोशल इश्यूज को इसमें उठाया जाता है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट में। जैसे कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली लोगों की हेल्प पे, एक दो लोगों की हेल्प पे नहीं, बहुत सारे लोगों की हेल्प पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर वगैरह है, वाटर क्राइसिस अगर होंगे तो बहुत सारे लोगों को ना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसे इश्यूज़ के बारे में बात करी जाती है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट में। इसके अलावा जो एजुकेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे जो सोशल इशूज़ होते हैं, ऐसे जो मैसेजेस स्प्रेड करे जाते हैं जिससे अवेयरनेस बढ़ाई जाती है, तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट का। इसके अलावा जैसे कि कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे कि NGO वगैरह होते हैं या चैरिटीज़ होती हैं, तो ये एक पार्ट होते हैं। PSA कैन बी फाउंड ऑन टेलीविजन बट ऑल्सो ऑफन शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया चैनल सच एज फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा। जो PSA है ना, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स, तो ये आपको एडवर्टाइजमेंट्स TV पे भी देखने को मिल जाती हैं, कई बार न्यूज़ में ये ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। लेकिन उसके अलावा यूजुअली जो ये कहाँ पे शेयर मिलती हैं आपको, सोशल मीडिया साइट्स पे जैसे फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे इनको ज़्यादा आपने ऐसे मैसेजेस देखे होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स के जो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। तो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का क्या मतलब होता है? किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना या परचेज करना। यूजुअली ये जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं ये इसलिए होती हैं कि आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को ट्राई करें, वो जो नया प्रोडक्ट आया उसको आप खरीदें, तो इस चीज़ के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स करवाई जाती हैं। द मैसेज दे कंटेन मस्ट बी पर्सिसिव बट इट मे नॉट एक्चुअली टेल यू एनीथिंग अबाउट द वर्ड्स गोइंग टू बी सॉल्ड। कमर्शियल एड्स टिपिकली टेक सेवरल फॉर्म्स, टेलीविजन, कमर्शियल प्रिंट एड्स। जो कमर्शियल एड्स होती हैं या तो आपको TV में, जैसे कि आप कोई सीरियल मूवी कुछ भी देखते हैं तो उसमें बहुत सारी ना एडवर्टाइजमेंट्स आती है। समर्स में आपको टेल पाउडर की, कूलर की, AC की, ऐसी एड्स देखने को मिलेंगी। विंटर्स में आपको वुलन क्लोथ्स की एड्स देखने को मिलती हैं। तो जो सीजन वाइज एड्स अलग अलग हो जाती हैं, प्लस में टेलीविजन TV पे आपको कमर्शियल एड्स देखने को मिलेंगे, प्रिंट एड्स देखने को मिलती हैं, जैसे न्यूज़पेपर में कुछ प्रिंट करवा दिया या फिर होर्डिंग्स लगवाई जाती है, बैनर्स लगवाए जाते हैं प्रोडक्ट सेल करवाने के लिए। तो इस तरीके से एड्स आपको मिलती हैं मैगजीन में, न्यूज़पेपर में या फिर रेडियो स्पोर्ट्स में, जैसे FM वगैरह अगर आप सुनते हैं तो उसमें बीच बीच में ना कुछ एड्स आ जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है।
या फिर जो वेबसाइट्स होती है, बैनर एड्स होते हैं या सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं, तो वहाँ पे आपको कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है। कोई भी जो गूगल पे किसी भी सर्च इंजन पे कुछ आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे जितनी भी साइट्स होती हैं तो वहाँ पे कुछ कुछ एक्स्ट्रा एड्स भी आपको देखने को मिलती है। इवन यूट्यूब पे भी आपको एड्स देखने को मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का एक पार्ट होता है। While there are no rules that say how long a commercial can be, they are really run longer than 1 minute on TV or radio. तो ऐसा कुछ hard and fast rule नहीं है जो commercial ads होती हैं वो कितनी देर की हो सकती हैं। कई बार एक minute की भी होती है, कई बार उससे कम की भी होती है, और कई बार उससे बड़ी ads भी होती है जिसमें पूरी story type में create कर दी जाती है। तो ये जो commercial advertisements होती हैं इसका कोई ऐसा time period नहीं होता, बस ये pocket friendly होती हैं। पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए कि कितना अमाउंट आप इसके लिए पे करते हैं उसी अकॉर्डिंग जो आपकी ऐड है उसको दिखाया जाता है। तो अभी मैंने आपको अलग से सेपरेट वे में बताया कि कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट क्या होती है और पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स क्या होती हैं। अब दोनों के बीच में डिफरेंस आपको थोड़े से और पॉइंट्स बता देती हूँ। जैसे कि पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स जो होती हैं वो पेड नहीं होती, वहीं पर जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो क्या होती है, पेड होती है। ये पॉइंट हम कर चुके हैं। मतलब कि जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उसके लिए कंपनी को या जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उनको पेमेंट करनी पड़ती है, वहीं जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स होती हैं वो यूजुअली गवर्नमेंट रिलेटेड होती हैं और वही उनको पब्लिश करते हैं, तो इसमें एज सच उनको कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ती है क्योंकि ये लोगों की वेलनेस के लिए, उनमें अवेयरनेस को स्प्रेड करने के बेसिस पे होती है। इसका कोई प्रॉफिट कमाना नहीं होता इस अनाउंसमेंट का, किसका, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट का। वहीं कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स में पेमेंट इसलिए देनी होती है क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे उतनी ज़्यादा कंपनी की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होती है। तो इसलिए जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो क्या होती है, पेड होती हैं। इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स होती है वो ज़्यादा सीरियस टोन में होती है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल एड्स। जो कमर्शियल एड्स होती है उसमें आपने देखा है बहुत से फ़नी कैरेक्टर्स को भी डाला जाता है, कुछ फ़नी एड्स वगैरह उसमें डाल दी जाती है, लेकिन जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स होती हैं वो बहुत ही सीरियस टोन में होती हैं, बहुत ही इंटेंस मैसेज वो दे रही होती हैं। नेक्स्ट है, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स ऑलवेज हैव अ मैसेज बिहाइंड देम। और जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स होते हैं बहुत ही लॉजिकल वे में होती हैं, उनके पीछे कोई ना कोई मैसेज होता है, जेन्युइन बात उसमें करी जाती है। लेकिन जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ना प्रोडक्ट को सेल करने से मतलब होता है और कुछ नहीं होता। इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ, इसमें मैकडोनल्ड्स दे रखा है, मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूँ। अपने शायद ना सब लोगों ने हैप्पी डेंट की वो एड सुनी होगी जिसमें एक कहीं पे भी जैसे रूम वगैरह में भी ना वो लोग क्या हैप्पी डेंट खा लेते हैं और फिर लाइट सब जगह की चली जाती है तो स्माइल करते हैं। जो सीलिंग फैन होता है उसकी जगह पे आदमियों को लटका दिया जाता है कि स्माइल करेंगे तो लाइट आ जाएगी। तो देखिए वो जो एड है ना उसका कोई सेंस नहीं है, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। तो ये चीज़ क्या होती है, कमर्शियल एड्स होती है। कमर्शियल एड्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि वो अपनी साइड ना फोकस करना चाहती है लोगों का। एक ब्लू कुछ करके आती है, एक विंग वाली एड ना जिसमें वो एक ड्रिंक है, नाम ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल भी, एक एनर्जी ड्रिंक है उसको पी के ना लोग ना उड़ने लग जाते हैं, शायद से रेडबुल है मे बी, आप लोग बताना मुझे कौन सी है। तो कुछ ऐसी एड्स होती हैं तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से होता है। वहीं आपने क्लोजअप की एड देखी होगी रणवीर सिंह की, तो उसमें क्या देखा है, क्लोजअप करने के बाद में ना एकदम अलग सा एटमोसफेयर हो जाता है। तो रियलिटी में ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो कमर्शियल एड्स जो होती है ना वो बेसिकली अपने प्रोडक्ट उनको दिखाना होता है, प्रोडक्ट को सेल करने के पर्पज़ से वो एड्स को बनाया जाता है, कोई इतना सीरियस मैसेज उसके पीछे नहीं होता है। और जो उसमें कैरेक्टर्स को भी यूज़ किया जाता है तो वो भी कुछ ज़्यादा सीरियस लुक में नहीं करते। वहीं जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स होती हैं वो उसमें मैसेज बहुत सीरियस होता है और बहुत जेन्युइन बात करी जाती है। नेक्स्ट बता रखा है, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स आर नॉट अलाउड टू यूज़ सेलिब्रिटीज़। जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स होती हैं उनको सेलिब्रिटीज़ ज़्यादातर यूज़ नहीं करते टू सेल प्रोडक्ट्स एंड कमर्शियल स्कैन। वहीं पे जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उसमें आपको यूजुअली ये देखते हैं, जैसे कि लक्स सोप है इसकी एड में कोई है, डेनवर की एड में आपको एक अलग सेलिब्रिटी दिखेगा, तो सेलिब्रिटीज़ का फेस लगा के प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाया जाता है। जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स होती हैं उनका कोई एज सच मोटो नहीं होता, मोटो मतलब कि उनको एज सच प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं बनाया जाता है। और जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उनका बेसिकली मोटो यही होता है कि उनको जो प्रॉफिट कमाने के पर्पस से उनको क्रिएट किया जाता है। पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट डू नॉट हैव अ प्रॉफिट मोटिव। तो जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स होते हैं उनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है और ना उनके क्रिएशन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे। लेकिन जो कमर्शियल जो एडवर्टाइजमेंट्स होती है उन पे होता है, बनाने में भी पैसा लगता है और प्लस जो चीज़ें वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बढ़ाने के लिए चीज़ों में कुछ अलग तरीके से दिखाते हैं प्रोडक्ट को, और जो वो सेल होता है तो उसमें वो चीज़ें कई बार देखने को नहीं मिलती हैं।
इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है वो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के पर्पज से। लेकिन जो कमर्शियल एड्स होती हैं उनका एज सच इन्फॉर्मेशन से लेना देना कुछ नहीं होता, उनको सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है। फाइनली जो PSA है उसमें सम काइंड ऑफ डिस्क्लेमर होता है, वाइल कमर्शियल एड्स डू नॉट, मीन्स जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स होती हैं उनमें कुछ डिस्क्लेमर को ऐड कर दिया जाता है, और जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उनमें इतना सब कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स प्लस कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स पे लिख सकते थे। दोनों को पहले आपको डिफाइन करना है क्या क्या होते हैं, उसके बाद में इन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर ब्लॉग्स, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ डज ब्लॉगिंग वर्क। तो ब्लॉग क्या होते हैं और ये जो ब्लॉगिंग है ये कैसे वर्क करता है, ये चीज़ आपको डिफाइन करनी है। नाउ ब्लॉग क्या है, इज सिंपली अ वेबसाइट और एन ऑनलाइन मैगजीन और अ जर्नल दैट कंसिस्ट ऑफ अ रेगुलर कमेंट्री बाय इट्स ऑथर। तो ब्लॉग क्या है, बेसिकली कोई या तो ऑनलाइन मैगजीन हो सकती है, जर्नल हो सकता है, जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कमेंट्री होती रहती है। इट इज़ यूजुअली, कमेंट्री का मतलब अगर आप क्रिकेट वगैरह या स्पोर्ट्स देखते हैं तो उसमें आपने सुना होगा रेगुलर कमेंट्री होती है वहाँ पे। कमेंट्री का मतलब क्या है, जो भी चीज़ वहाँ पे एक्चुअल में चल रही है ना वो सब चीज़ आपको बोलकर बताई जाती है, समझाई जाती है कि ये चीज़ें हो रही हैं, आप वहाँ पे देखने के लिए प्रेजेंट नहीं है, तो ये चीजें आपको बाय कमेंट्री सब समझ में आ जाता है। इट इज यूजुअली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू टाइम, तो ये बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है एंड कैटेगराइज इन अ वे दैट मेक इट इजी टू फाइंड। और इसको इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है ब्लॉगिंग को कि आपको हर चीज टाइम पे और अच्छे तरीके से मिल पाए। द नेम ब्लॉग कम्स फ्रॉम द वेब ब्लॉग वी ब्लॉग बिकॉज मैनी ऑफ दीज साइट्स वर ओरिजिनली यूज टू कीप द ट्रैक ऑफ वॉट समवन वॉज डूइंग ऑन डेली बेसिस, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग ट्रैवल जर्नल्स, पर्सनल जर्नल्स और बिजनेस डायरीज। तो ये जो ब्लॉगिंग है ना इसको तीन चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि डेली बेसिस पे क्या क्या हो सकते हैं, ट्रैवल जर्नल्स हो सकते हैं, ट्रैवलिंग का होता है ना कि लोग घूम रहे हैं अपडेट देते रहते हैं, पर्सनल जर्नल्स हो सकते हैं, या फिर जो बिजनेस डायरीज होती हैं वो हो सकती हैं। अब जो टर्म है ना यूज एज अ वर्ब टू ब्लॉग, दिस मीन्स रेगुलरली अपडेटिंग एन इंटरनेट साइट विद पर्सनल और प्रोफेशनल कमेंट्स। इसके अलावा जो ब्लॉगिंग है ना इसमें रेगुलर बेसिस पे अपडेट किया जाता है इंटरनेट साइट्स पे, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल कमेंट्स हो, या फिर जो ऑब्जर्वेशन होती है, इस बेसिस पे इसको अपडेट किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है, हाउ डज ब्लॉगिंग वर्क, जो ब्लॉगिंग है ना वो बेसिकली वर्क कैसे करती है। The evaluation of blogging has made it an ideal way to communicate ideas. जो blogging है ना इसका basic purpose क्या होता है, ideas को communicate करने का। Communication का मतलब क्या होता है कि बातचीत करना, अपने thoughts को एक person से दूसरे person पे exchange करना। तो ideas को communicate करने के लिए stories को, knowledge को, जिससे कि बहुत ही simple और accessible way में आपको मिल सके। और ये किससे हो सकते हैं, by email हो सकती है और by texting भी हो सकती है blogging। इसके अलावा द होल प्रोसेस इज प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्रिएटिंग अ फ्री अकाउंट विद अ साइट लाइक वर्डप्रेस और टम्बलर, राइटिंग अ पोस्ट ऑन अ टॉपिक दैट इंटरेस्ट अस मोस्ट, देन सबमिटिंग इट फॉर द पब्लिकेशन। यहाँ पे आपको ब्लॉगिंग का बता रखा है ये कैसे वर्क करता है, बहुत बहुत ईजी सा इसमें प्रोसेस दे रखा है कि आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है जो कि साइट से आप उसको लिंक करें, उसके बाद में जो भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है आप उसको वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, जो कि लोग सोशल लेवल पे उसको काफ़ी हद तक लोग देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, जो ब्लॉगिंग है ना उसका मेन पर्पस क्या होता है, पर्पस ऑफ ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग कैन बी यूज टू जनरेट न्यू क्लाइंट्स एंड एस्टैब्लिश एन इंडिविजुअल एज एन एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। तो ब्लॉगिंग का मेन जो वर्क होता है, नए क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करना होता है, प्लस जो जैसे आप अपनी अपने फील्ड में ना कुछ एक्सपर्टाइजेज होते हैं तो उसमें एक तरीके का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट वे टू कनेक्ट विद कस्टमर्स, जो ब्लॉगिंग है क्योंकि ऑनलाइन चीज़ है तो ये ना एक बहुत अच्छा वे हो सकता है कस्टमर से कनेक्ट करने का, या फिर जो बिजनेस आंसर्स होते हैं उसको अलाउ करने का, क्वेश्चंस पूछने का, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है उसको आराम से रिजॉल्व किया जा सकता है बाय ब्लॉगिंग। इसके अलावा जो एडिशनली ब्लॉगिंग सर्व एज अ मार्केटिंग टूल, जो ब्लॉगिंग है ना उसमें कुछ बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स होते हैं, जैसे ऑलमोस्ट लाइक अ न्यूज़ टेलर दैट इज़ अवेलेबल एट ऑल द टाइम। विद ब्लॉगिंग वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर व्हाट
कंटेंट इज पब्लिश्ड ऑन आर साइट एंड व्हाट इट्स गोज लाइक। ब्लॉगिंग से आप जो आपका कंटेंट होता है ना उस पर आपकी पूरी कमांड होती है कि क्या चीज़ आपको लाइव जाना है, कब क्या चीज़ आप कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, आपके ऊपर होती है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी से बेस्ड क्वेश्चन था। टेक्नोलॉजी वैसे भी मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो, बट मैंने फिर भी ट्राई किया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो स्किप कर दीजिएगा, और अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ा सुन के भी आइडिया लगेगा कि हाँ क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको समझाई हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मीडिया, डिस्कस द इम्पैक्ट्स दे हैव इन आवर लाइफ्स। तो मास मीडिया क्या होता है और इसके जो हमारी लाइफ है ना उसके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, तो ये चीज़ आपको बतानी है। जब आप मास मीडिया की बात करेंगे ना तो उसमें आपके पास में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे इंटरनेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, और कोई चीज़ पब्लिश करवाते हैं, टेलीकास्ट करवाते हैं, ब्रॉडकास्ट करवाते हैं, तो ये सभी इसका एक टाइप होते हैं। क्वेश्चन है, आपके पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मीडिया क्या क्या हो सकते हैं। द वर्ड मास मीडिया हैज़ बिकम सो इन आर कल्चर दैट इट इज़ ईजी टू फॉरगेट एंड हाउ मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया देर आर एंड हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट दे हैव एन आर डेली लाइफ्स। इसका एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो सिंपल सी चीज़ समझिए कि किसी दिन आपका फ़ोन आपके हाथ में ना रहो और या फिर आपके घर का वाईफाई बंद हो जाए तो कैसी सी सिचुएशन होगी ना, तो सेम चीज़ यहाँ पे बता रखी है। जो मीडिया है ना ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, बहुत सारे इसके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जिसके बिना लाइफ को आज की डेट में इमेजिन कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। वेदर वी आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, मास मीडिया शेप्स हाउ वी व्यू द वर्ल्ड एंड हाउ वी इंटरेक्ट विद अदर अराउंड अस। चाहे आप इस चीज़ से लेके अवेयर हो ना हो, चाहे आपको टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा समझ हो चाहे ना हो, लेकिन जो मास मीडिया है ना वो हम कैसे दुनिया को देखते हैं, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, इस चीज़ को एक अलग से शेप देता है। अब यहाँ पे ना कुछ आपको मास मीडिया के डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं, जैसे कि जर्नलिज्म दे रखा है, ब्रॉडकास्टिंग दे रखा है, ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग हो गया, इंटरनेट फैसिलिटीज़, पब्लिशिंग किसी चीज़ को पब्लिश करवाना मैगजीन न्यूज़पेपर में, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन या सेल फोन जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के आपको मास मीडिया दे रखे हैं, वन बाय वन एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला आता है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म बेसिकली क्या हो गया, समथिंग रिलेटेड टू मीडिया, प्रेस, ये सबसे रिलेटेड होता है। तो दिस इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मास मीडिया। जर्नलिज्म जो होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म होती है मास मीडिया की। जर्नलिज्म गिव अस एन एक्यूरेट अकाउंट ऑफ व्हाट हैपनिंग इन आर वर्ल्ड। तो जर्नलिज्म से आपको क्या पता चलता है कि आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो आपको बहुत ही स्पीड की फॉर्म में आपको चीज़ें बता दी जाती हैं, मिल जाती हैं। जैसे कि कहीं पे अर्थक्वेक आया तो ऑन द स्पॉट आपको वो न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। जर्नलिस्ट की वजह से ये बहुत मेजर और काफ़ी अच्छा रोल वो प्ले करते हैं कि आपको हर चीज़ बहुत ही ऑन द स्पॉट मिल जाती है और समझ में आ जाती है। कोई भी अपडेट आपको चाहिए होता है ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा सोर्सेज को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक टाइम था जब आपके पास में सिर्फ रिटर्न चीज़ें अवेलेबल थी, आज की डेट में सिंगल क्लिक से आप दूर हैं और आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको पता लगानी हो आप पता लगा सकते हैं। जर्नलिज्म फोकसेस ऑन प्रेजेंटिंग अनबायस्ड फैक्ट विदाउट एनी मैनिपुलेशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। तो जर्नलिज्म जो है ना वो क्लियर कट सोर्स होता है, किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करना या फिर जो अनबायस्ड फैक्ट होता है किसी भी एक चीज़ के साइड नहीं दिखाना, ये हर चीज़ को बराबर वे में दिखाता है। जो पर्पस होता है जर्नलिज्म का इज़ टू प्रेजेंट एन अनबायस्ड अकाउंट ऑफ इश्यूज़ इन आर वर्ल्ड। जो हमारे दुनियादारी में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जो टॉपिक्स चल रहे हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज़ हो, उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करना उनका मेन मोटो होता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। अब जो जर्नलिज्म है इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो शोज़ हो गए या मैगजीन्स हो गए, ये सारे फॉर्म्स होते हैं जर्नलिज्म के। ये सारा आपके पास में रिटर्न होता है, वही जो न्यूज़ जो लाइव चल रही होती है, ये सब चीज़ें जो होती है ना ये आपके पास में लाइव होता है, जिसमें आपने रात को न्यूज़ देख ली और नेक्स्ट डे आपको रिटर्न न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में आपको रिटर्न फॉर्म में भी वो चीज़ें मिल जाती हैं। एंड आर ऑल फॉर्म्स ऑफ जर्नलिज्म दैट अलाउ एवरीवन टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट करंट इवेंट्स एंड अदर टॉपिक्स। तो जो भी करंट इवेंट्स है या बाकी के टॉपिक्स हैं आप इनकी हेल्प से काफ़ी अप टू डेट रह सकते हैं। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है न्यूज़पेपर पे जाए, अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं है आप रेडियो सुनते हैं तो उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आप मैगजीन रीड करना पसंद करते हैं, किसी भी होटल या रेस्टोरेंट वगैरह में आप जब जाते हैं तो जब आप वहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं तो वहाँ पे आपको न्यूज़पेपर मैगजीन्स कुछ मिल जाती है, तो आप वहाँ पे भी उस टाइम में आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया आपका जर्नलिज्म। सेकंड पार्ट आता है आपके पास में ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग।
ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग में क्या आता है, एज विद मोस्ट फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग डील इन द इन्फॉर्मेशन। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं ना आपके पास में मास मीडिया के, इन सब का मेन मोटो यही होता है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसको मैक्स टू मैक्स लोगों तक स्प्रेड कर दिया जाए। ऑल दो इट इज़ ऑफन इंक्लूड्स एडवर्टाइजमेंट दैट स्पॉन्सर्स द शोज, इसमें जो एडवर्टाइजमेंट्स होती है वो शोज क्या करते हैं, स्पॉन्सर्स करते हैं। तो ये ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग होता है। जैसे बहुत सारे ना रियलिटी शोज होते हैं, लाइक बिग बॉस हो गया, खतरों के खिलाड़ी हो गया, या जो कपिल शर्मा का शो आता है, तो इनमें आपने देखा होगा जब ये अपने शो को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो उससे पहले ये बोलते हैं कि ये शो इसने प्रेजेंट किया, तो उसमें बहुत सारे ब्रांड्स का नाम लिया जाता है। जैसे इसके अलावा लाइक जो IPL वगैरह होते हैं, वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट वगैरह के जो मैचेस होते हैं या स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके आपने टी शर्ट्स पे उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, या जो वहाँ पे जो स्टेडियम लगा होता है, स्टेडियम की जो बाउंडिंग होती है, तो उन सब पे आपने ना ऐसे प्रमोशन बेसिस पे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखी होती हैं। कई बार बायजूस की देखी होगी, कई बार कोको कोला की देखी होगी, थम्स अप की देखी होगी। तो इस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग करवाई जाती है कि वो जो चीज़ें उनको अवेयर कराया जाए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा उसका मैसेज पहुंचा दिया जाए। अब इसमें दिस इज़ अ कॉमन वे फॉर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अलाइंग देम टू रीच लार्ज ऑडियंस। जो मेजर डिफरेंसेस होता है ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग में, ये क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग हैपन्स वाय रेडियो और टेलीविजन, वाइल टेलीकास्टिंग अकर्स थ्रू रिकॉर्डेड प्रोग्रामिंग दैट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम सच एज CDs एंड DVDs। तो जो ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग है ना, इसमें दो मेजर डिफरेंसेज होते हैं। फर्स्ट, अगर ब्रॉडकास्टिंग की हम बात करें तो इसको रेडियो या टेलीविजन की हेल्प से आप ब्रॉडकास्ट करवा सकते हैं कि चीज़ को एक्सप्रेस कर दिया, और वहीं पे अगर हम टेलीकास्टिंग की बात करें तो ये CD और DVDs में इसको रिकॉर्ड करके आगे मार्केट में इसकी कॉपीज़ को भेजा जाता है। जैसे बहुत सारी मूवीज़ हैं और सीरीज़ वगैरह आपको CD की फॉर्म में मिल जाती हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपके पास में इंटरनेट। इंटरनेट तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट होता है, बहुत सारी सोशल साइट्स होती हैं जहाँ पर आप अपने मैसेजेस, फ़ोटोज़, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ अ ग्रेट वे टू शेयर फोटोज़, वीडियोज़ और मैसेजेस विद फ्रेंड्स और बिजनेस पर्पस से भी, और फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ में, कजिन्स के साथ में भी आप बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनकी हेल्प से बहुत सारी फोटोज़, वीडियोज़, मैसेजेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कन्वे कर सकते हैं। However, it is important to be aware that anything you post on the internet can be accessed by the anyone. और ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जो इंटरनेट से ना आप कहीं पे भी किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से कुछ भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि कुछ ऐसा सोशल मीडिया साइट्स पे आप नहीं कर सकते, कोई पोस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी को एम्बैरेसमेंट हो, किसी की कोई प्राइवेट पिक्चर्स हों, कुछ प्राइवेट मैसेजेस हों, उनको नहीं पोस्ट करना चाहिए, या फिर कुछ कोई चीज़ जो किसी को विदाउट परमिशन आप शेयर करें तो वो चीज़ किसी के लिए एम्बैरेसमेंट हो सकती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो इंटरनेट है उसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पॉजिटिव सेंस में यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड्स होते हैं, तो हमें हर चीज़ का जितना मैक्स टू मैक्स हम पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं तो हमें वो चीज़ पे फोकस करना चाहिए। इंटरनेट के बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में पब्लिशिंग। पब्लिशिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस बिटवीन राइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू एन ऑडियंस। तो पब्लिशिंग क्या होता है, एक पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है, जैसे कि राइटिंग या फिर ऑडियंस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाए। अब पब्लिशिंग में क्या हो सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, या फिर जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको आप पब्लिश करवाते हैं, जैसे कि आपने कुछ ऐसे पैम्फलेट टाइप में पब्लिश करवा दिए जिसको आपने जगह जगह पेस्ट कर दिया, टेक्स्ट बुक पब्लिश करवाते हैं, बुक या न्यूज़पेपर में कोई चीज़ पब्लिकेशन के लिए देते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, वो अपने नोट्स को पब्लिश करवाते हैं, उनका खुद का पब्लिकेशन हाउस होता है जहाँ पे वो अपनी बुक्स, अपने नोट्स, अपने फॉर्मुलेस वगैरह को पब्लिश करवाते हैं लोगों तक लार्ज स्केल में पहुँचाने के लिए। द एक्चुअल स्टेप इन्वॉल्व इन द पब्लिशिंग इज अ पीस आर कॉल्ड द एडिटोरियल प्रोसेस फॉर द कॉपी एडिटिंग, वाइल सब्सिक्वेंट स्टेप्स डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीज रीडर्स सच एज वेदर मीन सच एज पेपर बुक्स सोल्ड एट रिटेल प्रेफर टू डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिशर्स में ऑल्सो टेक ऑन वेरियस रोल्स इन एडिटिंग टेक्स एंड प्रोड्यूसिंग प्रूफ कॉपीज फॉर द ऑथर्स। तो इसमें एडिटिंग वगैरह आपको बता रखी है। एडिटिंग हमारा एक नया टॉपिक होगा, इसको मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी कि एडिटिंग क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी कंटेंट आपको पब्लिश करवाने से पहले एडिटिंग करने के क्या बून और बेन हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो क्वेश्चन है इसी पे फोकस करते हैं जिसमें मैं आपको मास मीडिया समझा रही हूँ।
नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है आपके पास में मोबाइल फोन्स और सेल फोन। देर आर मोर देन जस्ट कम्युनिकेशन डिवाइस दीज डेज। जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये कम्युनिकेशन के अलावा भी बहुत सारा अलग आपके पास में एक डिवाइस है। आप हर चीज़ में ना मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन का तो हो ही जाता है, उसके अलावा आप अपने फ़ोन बिल भरना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, फॉर्म्स वगैरह फिल करना, टिकट्स की बुकिंग करवाना, तो ये सब चीज़ें भी आप ऑनलाइन पर्पज़ पर अपने फ़ोन से ही एक जगह बैठे बैठे कर सकते हैं। तो इन मैनी वेज दे हैव बिकम अ मिनी कंप्यूटर इन आर पॉकेट। तो जो फ़ोन है ना, वो एक तरीके का मिनी कंप्यूटर बन गया, जो कि हमारी पॉकेट में होता है और बहुत ही लाइट वेट होता है। आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं जिससे ये लोगों तक काफी अमाउंट में, लोगों से, पीपल से एक्सेस में रिलेट कर सकता है, कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आप कहीं पर भी खाली बैठे हैं तो म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी आपके पास में ना बहुत सारी ब्राउज साइट्स होती हैं, थ्रू वेबसाइट्स आप बहुत सारी वेब सीरीज देख सकते हैं। मतलब कि आपके पास में इतने सारे सोर्सेज हो सकते हैं कि अगर आपके पास में आपका फोन है तो आप किसी भी वे में बोर नहीं हो सकते हैं। तो ये मोबाइल फोन के बेनिफिट्स है, बताने की तो वैसे जरूरत नहीं है, सब लोग बहुत इंटेलिजेंट है इस चीज में, तो आप देख ही लेंगे ये चीजें। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन का पार्ट आता है जो मास मीडिया, इसके हमारी लाइफ पे क्या इंपैक्ट्स है। देखिए क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में मैंने आपको बताया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास मीडिया, ये चीज़ समझा दी। अब लास्ट पार्ट आता है इसका, इंपैक्ट्स ऑफ इंटरनेट इन आर लाइफ्स। तो जो इंटरनेट है ना, उसके हमारी लाइफ पे क्या क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं। The jury is still out on whether or not mass media has an overall positive effect on society. I believe that in some cases it can be used to influence people to do great things. अब हर चीज़ के ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स होते हैं, तो जो इंटरनेट है उसके पॉजिटिव साइड्स भी बहुत सारे हैं और नेगेटिव साइड्स भी बहुत सारे हैं। लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं ये चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है। कुछ लोग उसको पॉजिटिव साइड्स में यूज़ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, या फिर एजुकेशन को ईजी बनाने में, या कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए उसको फट से नेट से मिल सकती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव सेंस में। वहीं आप इसको नेगेटिव सेंस में भी यूज़ करते हैं। बट सोशल मीडिया प्लेज़ अ बिग रोल इन शेपिंग आर ओपिनियंस अबाउट रियलिटी। यंग पीपल्स मे बी इन्फ्लुएंस बाय व्हाट दे सीज इन मास मीडिया। ऑल टाइप्स ऑफ एड्स अफेक्ट चिल्ड्रंस एंड एडॉल्सेंट डिफरेंट, येट देयर रिस्पॉन्स टू दीज एड्स कैन बी नेगेटिव एंड पोटेंशियल लास्टिंग। तो जो एड्स वगैरह होती हैं न्यूज़पेपर में आपको दिखाता है, कुछ मोटिवेशन पर्पज से दिखाया जाता है तो आप उससे मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ चीज़ों के आप नेगेटिव भी लेते हैं पॉजिटिव भी लेते हैं। तो ये चीज़ आपके परसेप्शन के ऊपर होता है कि आप किसी चीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं, हर चीज़ को नेगेटिव वे में ले रहे हैं या पॉजिटिव वे में। तो जो इम्पैक्ट होता है ना मास मीडिया का, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्लस मास मीडिया की वजह से, स्पेशली इंटरनेट की वजह से, लोगों ने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया है। सब लोग एक जगह बैठे रहते हैं, बस फ़ोन में घुसे रहते हैं, तो हर चीज़ हम लोग ना फिजिकल वे में लोगों से कनेक्ट होना हमारा बहुत ज़्यादा बंद हो गया है। तो ये सब पॉइंट्स आप इस आंसर में लिख सकते हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच।